नमस्कार, मैं मृगेंद्र मिश्रा आज फिर आपके सामने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ जानकारी लेके आया हूँ। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्टरल फंड के बारे में कि अलग अलग सेक्टर्स के फंड किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है थीमेटिक फंड्स के बारे में, यानी कि अलग अलग थीम पे बेस्ड फंड्स बहुत ही सारे हैं। इनफैक्ट बहुत बार सेक्टरल और थीमेटिक फंड में कन्फ्यूजन होता है और कई बार सेक्टर्स फंड को थीमेटिक फंड भी हम मानते हैं, क्योंकि अगर वो एक से अधिक सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहा है किसी थीम के तहत तो थीमेटिक फंड की संज्ञा उसको दी जाती है, राइट। तो आज हम लोग एक्सक्लूसिव सर्टेन थीमेटिक फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो चलती हैं और किस चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करती हैं। थीमेटिक फंड, जैसा कि नाम से ही लगता है कि किसी एक थीम पे चलती है, तो पॉपुलर थीमेटिक फंड क्या क्या है? तो एक है PSU। PSU का मतलब हुआ कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी भारत सरकार का जिसमें हिस्सेदारी है, जिन कंपनियों में मालिकाना हक है, वैसे कंपनीज में ही सिर्फ इन्वेस्ट अगर करेगी तो उसको PSU फंड्स बोलेंगे। सिमिलरली एक आता है MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज, यानी कि वैसी कंपनीज में जो इंडिया में लिस्टेड है मगर ट्रू सेंस में मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अलग 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 देशों में भी उसके कारोबार हैं, तो उन तरह की कंपनीज में अगर इन्वेस्ट करेगी तो उसको MNC फंड कहते हैं। सिमिलरली अभी बहुत ही पॉपुलर हो रहा है वो है ESG, यानी इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, यानी जिसका इन्वायरमेंटल एंड सोशल कंसर्न हायर हो, जिसके ESG स्कोर हाई हो। क्योंकि आज के डेट में आप सुन रहे हैं ना, चारों तरफ इन्वायरमेंट को लेके बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं कि भाई ऐसी कोई भी कंपनी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ को हम नहीं मान सकते हैं, देख सकते हैं। कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि इन्वायरमेंट को बचाना जरूरी है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को, फैब्रिक्स को बचाना जरूरी है। तो वैसे कंपनी जिसमें अच्छी गवर्नेंस तो हो ही, साथ में इन्वायरमेंटल के प्रति भी कंसर्न हो और सोशल एक्टिविटीज़ भी वो पूरी तरह से ध्यान रखे, तो वैसे कंपनीज़ में इन्वेस्ट जो करे उसको ESG फंड बोलते हैं, राइट। ऐसे कंपनियों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है जो अपने ESG स्कोर्स को बढ़ाते जा रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि बिजनेस साइकिल, कि अलग अलग समय में अलग अलग बिजनेसेस चलते हैं, तो किस बिजनेस साइकिल में भी जाना है, किसका कौन सा सेक्टर सभी चलने वाला है, तो सेक्टरल रोटेशन जो होती है हमारी इंडस्ट्रीज में उसके हिसाब से उस साइकिल को पकड़ना और उस साइकिल के हिसाब से इन्वेस्ट करना, ये अपने आप में अलग थीम है, तो वो बिजनेस साइकिल फंड्स हो गए। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज, वैसे कंपनीज जो एक्सपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट करती है, जो भी यहाँ सर्विसेज या चीज़ें बनाती है वो एक्सपोर्ट करती है, तो वैसे ही कंपनीज में इन्वेस्ट करना जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, तो उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फंड्स बोलते हैं, ये भी अपने आप में एक थीमेटिक फंड है। इथिकल फंड, जो सिमिलर टू ESG है, मगर इसमें इथिकल फंड्स में एक और एडेड बेनिफिट है कि वो वैसे कंपनीज में इन्वेस्ट करती है जो शरीयत के द्वारा, जो इस्लामिक लॉ के हिसाब से भी क्वालिफाई करती हो, कि वैसे कंपनीज में इन्वेस्ट करती है जो शरीयत के हिसाब से भी सही है, तो वैसा इथिकल फंड्स हो गए। फिर आ गया जेननेक्स फंड, यानी वैसी कंपनीज जो नेक्स्ट जनरेशन, जो कमिंग अप जनरेशन है, न्यू और यंग जनरेशन की लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो नए जनरेशन की लाइफ स्टाइल्स अलग होती जा रही है, अलग तरह की ज़रूरतें उनकी बढ़ रही है, तो वैसे कंपनीज में ही जो इन्वेस्ट करेगी वैसे जेननेक्स्ट फंड्स कहलाती हैं। फिर आता है कॉमोडिटीज़, यानी वैसे कंपनी जो अलग अलग तरह की कॉमोडिटीज़ रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी तो वो कॉमोडिटीज़ फंड कहलाती है। पावर एंड इंफ्रा, हम लोगों ने सेक्टर में भी इंफ्रा देखा था, यहाँ भी पावर एंड इंफ्रा, यानी पावर या इंफ्रा दोनों ही रिक्वायर्ड है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए, तो वैसे कंपनी भी जो इन्वेस्ट करेगी वो पावर इंफ्रा थीम कहलाएगी और उसी तरह के फंड्स में वो इन्वेस्ट की जाएगी, तो ये भी अपने आप में एक थीमेटिक फंड हुआ। कंजम्पशन और कंज्यूमरिज्म, यानी कि कंज्यूमर जिस तरह की चीज़ों में अपनी खर्च बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना कि जेन नेक्स्ट लाइफ स्टाइल में बढ़ाती, वैसे जनरल FMCG प्रोडक्ट्स या अलग अलग तरह की चीज़ों में जो खर्चे बढ़ रहे हैं कंज्यूमर्स के, लोगों के, तो उस तरह के कंपनीज में जो इन्वेस्ट करेगी उसको कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक्स बोलते हैं और उस तरह के फंड्स को कंजम्पशन ड्रिवन थीमेटिक फंड बोलते हैं, करेक्ट। फिर रूरल, कि रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया दोनों में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, रूरल इंडिया का लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही अलग है, तो वैसे कंपनीज जो रूरल पे फोकस्ड है, यानी रूरल इंडिया में ज़्यादा काम करती है, उनके लाइफ पे ज़्यादा फोकस करती है, तो वैसे कंपनीज में अगर इन्वेस्ट करेगी तो रूरल फंड हो गया। फिर सर्विसेज इंडस्ट्रीज, वैसे कंपनीज जो सर्विस इंडस्ट्रीज पे फोकस्ड है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तीन मेजर सेक्टर इंडिया में है, तो एक हो गया एग्रीकल्चर जो पुरानी सेक्टर थी, दूसरी मैन्युफैक्चरिंग और तीसरी सर्विसेज,
तो सर्विसेज सेक्टर आज के डेट में सबसे बड़ा सेक्टर है। तो वैसे कंपनी जो सर्विसेज सेक्टर्स में सिर्फ इन्वेस्ट करेगी तो हो गई वो सर्विस फंड्स, सर्विसेज फंड्स। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड फंड, जो भी करंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आया है जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग में भी फोकस बढ़ते जा रहा है, तो वैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जो इन्वेस्ट करेगी वो मैन्युफैक्चरिंग फंड हो गई। या फिर स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़, कभी कभी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है अलग अलग वजहों से, और उस अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करके उस अपॉर्चुनिटीज़ के तहत इन्वेस्ट करना, तो वो अपने आप में एक अलग कहानी है। तो उस कहानी में जो इन्वेस्ट करती है, उस कहानी में जो कंपनीज क्वालिफाई करती है, उस कंपनीज में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसको स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ होती है। यानी कि आपने देखा कि ये सारे के सारे फंड्स जो हैं वो किसी न किसी कहानी के इर्द गिर्द घूमती है, एक कहानी लेके चलता है फंड मैनेजर, और उस कहानी में जो जो कंपनी उसे दिखती है कि इस कहानी के लिए क्वालिफाई कर रही है उस कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। तो ऑफकोर्स ये जब एक कहानी में इन्वेस्ट होती है तो वो हाई रिस्क कैटेगरीज में आती है, मगर वो कहानी अगर फंड मैनेजर की कहानी और थॉट प्रोसेस ठीक मैच कर रही है तो रिटर्न भी काफ़ी हाई आएगी। जैसा कि हम लोगों ने सेक्टर्स फंड्स में देखा था, सिमिलरली थीमेटिक फंड, जो मैं कह भी रहा था कि थीमेटिक सेक्टरल फंड में बहुत ही हल्का डिफरेंस है, कई बार सेक्टरल थीमेटिक को साथ साथ ही बोलते हैं, तो हाई रिस्क और हाई रिटर्न के फंड्स हैं। आपके पोर्टफोलियो में कितने होने चाहिए, हमेशा होने चाहिए या टैक्टिकल होने चाहिए, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका चॉइस है और आपकी रिस्क लेने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ अगर इस फंड्स में आप इन्वेस्ट कर चुके हैं या करने का मूड बना रहे हैं तो निश्चित रूप से इसकी कंप्लीट ड्यू डिलीजेंस भी आपको खुद करना है, साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ बैठ के डिसाइड करना है कि कौन सा फंड चुने, क्योंकि तकरीबन इस तरह के 50-60 फंड्स हैं, 50-60 फंड्स हैं अलग अलग कंपनीज के पास, किसी के पास दो हैं, किसी के पास एक है, किसी के पास तीन है, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के पास है। सबके रिजल्ट्स देखिए, सिर्फ प्रीवियस रिजल्ट मत देखिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा थीम अलग अलग समय पे अलग अलग थीम चलती है, तो सिर्फ प्रीवियस रिटर्न नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट है कि आगे वो थीम चलने की गुंजाइश आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है। अगर वो दिख रही है तभी इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करें, ये जानकारी मेरा देना काम था, बाकी आपको खुद ड्यू डिलीजेंस करना जरूरी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। मैं फिर से वो डिस्क्लेमर दोहराऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट्स। एंड सेकेंडली, और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको इनसे रिलेटेड, किसी फंड स्पेसिफिक फंड का नाम मैं नहीं लेता हूं, मगर अगर जनरल कंडीशंस के बारे में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जरूर पूछें, हमारे यूट्यूब चैनल पे आके प्रश्न करें, ताकि मैं उस प्रश्नों के हिसाब से नई टॉपिक पे डिस्कशन आगे आने वाले दिनों में कर सकूँ। इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर भी कीजिए, आपने खुद तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर ही लिया होगा, बेल आइकॉन को दबा के रखिए ताकि अधिक से अधिक नोटिफिकेशन सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। कहने से पहले कि एक चीज़ और कहूँगा कि ये अगर आपने देखा और हमारे प्रीवियस एपिसोड्स आपने नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि आपको बेसिक्स कई सारे बेसिक टॉपिक्स पे आपको मिल जाएंगे। एपिसोड एक से देखना शुरू कीजिए ताकि कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो सके इन्वेस्टमेंट जर्नी में, राइट? सो थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।